हेलो गाइस, आप अभिषेक के साथ। आई होप आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही हो जो लास्ट 2 महीने से नहीं आई है। उसका मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, मतलब ये वाली वीडियो मेरे काफी टाइम बाद आ रही है और उसकी एक वजह ये है कि आप जो मेरे पीछे समय टाइम देख रहे हो, पिछले 2 महीने से मैं इसी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था। मतलब ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा टाइम रहने वाला है। तो लास्ट 2 मंथ से मैं इसी की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे बनाना है, क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं, क्या क्या चीजें बनानी पड़ेगी। तो इस टाइम के बीच में मुझे इतना ज्यादा काम पड़ गया था कि मैं ये टैंक कैसे बनाया, स्टैंड कैसे करा, सम सिस्टम मैंने क्या रखा है, क्या क्या चेंजेस मैंने और करे, बाकी टैंक्स की मेरी कंडीशन क्या, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो 2 महीने मेरे बड़े हेक्टिक थे। तो इन पूरे 2 महीने में जो जो हमने काम करा आज के वीडियो में सारा कवर करेंगे, और इस टाइम मैंने क्या क्या यूज करा है, क्या क्या चीजें करूंगा आज, क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है, वो सारी वीडियो, वो सारी बात हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको अपना फ्लोर दिखाता हूँ जिसपे मैंने सारे अपने एक्वेरियम रखे हुए हैं। सारे नहीं, 3 एक्वेरियम है, बाकी जो हार्ड फिश का टैंक है वो नीचे रखा हुआ है जो आप मेरी वीडियो में देखते हो। ये मेरा बेसिकली एक एनिमल रूम है, मतलब रूम है, इसको मैंने खुद ही नाम दे रखा है एनिमल रूम का, जहाँ पर मेरे सारे टैंक रखे हुए हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं इधर काफ़ी कुछ काम कराएं, जहाँ पर मुझे गिनी पिग्स एंड बर्ड्स रखनी है। अभी मैं आइडिया सोच रहा हूँ क्या क्या मैं रखा जा सकता है ताकि उनके लिए काफ़ी सूटेबल हो। ये एक छोटा सा लुक है मेरे रूम का। अगर बात करी जाए फर्स्ट टैंक की, जो मेरा आपने देखा होगा छोटा टैंक था जहाँ पर प्लांटेड एंड बेटा फिश का टैंक था, इस समय इसकी हालत बहुत बुरी है। लास्ट मंथ में इसकी लाइट भी ख़राब होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी जितने सारे प्लांट्स लगे हुए थे वो सब खराब हो गए। रुको, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। इसकी लाइट ख़राब हो गई थी, ये वाली LED लाइट, एंड इशू ये था कि ये लाइट ना अलग से मिलती नहीं है। अब ये मिलती नहीं तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। जो मेरे नॉन में भैया थे जिससे मैं सामान लेता हूँ, सुधीर एक्वेरियम शॉप, आपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल शॉप है, काफ़ी सारे प्राइस, काफ़ी आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। उनसे अच्छी बातचीत थी, तो उन्होंने क्या करा, उनके पास एक सेम ऐसी टैंक था, सफाई भी ज़रूरी, सब गंदा हो पड़ा है, तो उसी टैंक से उन्होंने मेरे को लाइट निकाल के दी। जैसे ही लाइट निकाल के दी, जब तक लाइट का काम हुआ तब तक मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो चुके थे, तो उससे मैं प्लांट को बचा नहीं पाया। जैसी लाइट ठीक हुई तो मेरा फिल्टर ख़राब हो गया, सेम ये वाला फिल्टर जो अभी इस समय आप देख पा रहे हो, पूरा एलगी मिट्टी में ख़राब हो रहा है। अगर मैं आपको अंदर रूप में दिखाऊं, ये पूरा फिल्टर ख़राब हो गया। जब इसे चेंज कराया तो पुराना फिल्टर भी यहीं पड़ा होगा मेरा, ये रहा पुराना फिल्टर। तो जब तक इसको ठीक कराया तो इस समय इतना ऑक्सीजन का इशू हो गया था कि सारी फिशेज, जो भी इसके अंदर मेरी फिशेज थी, एंजल फिश थी, बाकी चीज़ें थी, वो सारी ख़राब हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। तो इसलिए भी टैंक मेरा बंद पड़ा है और मैं इसको भी छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा एकदम से रिवाइव करूँ। इन सब चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर देना, ये अभी सारा काम चला टैंक का तो इस चक्कर में था। तो अगर यहाँ की बात करें तो इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको आराम से 1-2 महीने बाद जब पूरा मैं रीसेटअप करूँ, री अच्छे से करूँ, तो एक अच्छा मेरे काफ़ी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है इस टैंक के लिए, क्या मैं इसमें नया कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मेरा टैंक था जो पूरा खाली पड़ा। अगर मैं आपको दूसरे टैंक का आइडिया दूँ, तो इसमें शॉर्ट फिश टैंक जो इस समय काम चल रहा है। अब इसमें सारी मेरी शॉर्ट फिशेस थी। जो मेरा फर्दर प्लान है कि जितनी भी बड़ी फिशेस होगी इन सबको चेंज करूंगा। थोड़ा सा पानी आपको क्लाउडी दिख रहा होगा क्योंकि काम की जैसे फिल्टर साफ नहीं कर पाऊँ, मुझे फिल्टर भी साफ करना है। प्लस वन थिंग आप नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको एक ओपन करने के लिए यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, एक छोटा डब्बा रखा है जिसको ओपन करके रख रहा है। रीज़न, मेरा जो फ्लोर है वाला 4th फ्लोर है और ये रूम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मछलियों के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरी सारी मछली पूरे, मतलब पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 पहुंच चुका था, सारी मछली नीचे बैठ गई थी। तो अब मैं इसको खोल के रखता हूँ और ये फ़ैन चालू रखता हूँ ताकि थोड़ा रूम ठंडा रहे। फ़ैन बंद कर रखे वरना नॉइज़ आती है। नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट पार्ट। पिछले 2 महीने से मैं इसी टैंक पर काम कर रहा हूँ कि क्या मुझे टैंक बनाना है, कितने साइज़ का टैंक बनाना है, कैसे सिस्टम रखना पड़ेगा, क्या है जो वर्क करनी पड़ेगी, कैसे स्टैंड बनाना है। मतलब स्टैंड तक का काम तो सारा सही था जो यहाँ पर स्टैंड बना रखा है, लेकिन उसके बाद मुझे इसको बनाने के लिए वर्कर और मेरे साथ के हेल्पर नहीं मिल रहे थे। ऑल दो मैंने सारी हेल्प कराई, उन्हें किस तरह से आइडिया बताया कैसे कैसे करना है, कहाँ का सपोर्ट लगानी, लेकिन उसको बनाने के लिए, और ये सब जो फ्लोर है मैंने आपको बताया मेरा 4th फ्लोर पे है, तो इन सब बड़े बड़े ग्लासेस को नीचे से ऊपर चढ़ाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी ना कि आई कैन टेल यू कि कैसे मैंने इसको बढ़ाया। तो लेट्स लीव दिस, मतलब 2 महीने जो मैंने वेट करा एक वीडियो ना बनाने के लिए, वो पूरा वर्थ है इस टैंक में
तो आज इस टैंक का लीक टेस्ट करूंगा, ऑल दो सब कुछ आई स्ट्रांगली बिलीव कि लीक नहीं होने वाला, ऑल दो तभी मैं सारी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, सब कुछ सेट कर चुका हूँ अंदर का, लीक होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि इस टैंक में क्या क्या चीज़ें लगी है। सबसे पहले टैंक को सेटअप करने के लिए, स्टैंड देने के लिए, पहले मेरा प्लान था कि इस टैंक को नीचे लगा दो इधर सामने, बट अगर टैंक को नीचे लगा दो तो मेरे को उसको देखने के लिए फिर झुकना पड़ता इस तरीके से कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर आई थॉट कि यार इतना खर्चा हुआ स्टैंड भी बना लो, तो फिर मैंने ये आयरन का स्टैंड बनाया है शीट के लिए। ये आपकी 6 mm की आयरन की रोड है एंड सपोर्ट के, अगर आप सपोर्ट ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैं नीचे सपोर्ट दे रखा ताकि झुके ना। हर 6 inch के गैप में आपको यहाँ पर 4 सपोर्ट मिलेगी मोटे मोटे। अगर आप इसमें और ध्यान से देखोगे नीचे की तरफ, आप देखो यहाँ पर प्लस एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मैंने आयरन की रोड दे रखी है हर छोटे गैप में, ताकि कहीं से भी वीक ना पड़े। तो यहाँ पर स्टैंड का था। स्टैंड की बात अगर बात करें टैंक की, तो टैंक में जो मेरे समय साइज है ये है 8 feet by 7, 8 feet by 2 feet by 1.5 feet, जिसमें से इसकी 8 फीट हमारी क्या है लंबाई है, 2 फीट इसकी ऊंचाई है और 1.5 feet क्या है इसकी चौड़ाई है। जो टैंक का साइज ये था सेम यही रहेगा, मतलब इसकी जो टैंक की, इस टैंक की जो डायमेंशन है मेरे पास ये है 3 feet by 2 feet by 1.5 feet, सेम यहाँ पर भी है। फ़र्क क्या है, इसमें मैंने लेंथ बढ़ा दी। और इस एक्वेरियम को बनाने के लिए जो मैंने ग्लास यूज़ करा है वो है M2 के ग्लास 12 mm का। आई सजेस्ट यू कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपको इतना बड़ा एक्वेरियम बनाना है तो एटलीस्ट मिनिमम 10 या फिर 12 mm का ग्लास तो लीजिएगा ही। तो ये था सब कुछ मेरे टैंक के बारे में, कैसे ये टैंक होने वाला है। रिकॉर्डिंग के लिए पंखा बंद कर रखा ताकि आवाज़ की जाए, तब भी सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा फोन। सो ये था बेसिकली मेरे 8 feet के टैंक के बारे में। आज परीक्षा की घड़ी है कि क्या इसमें लीक होगा नहीं होगा। तो अब इस रिकॉर्डिंग के बाद कपड़े चेंज करूंगा क्योंकि मुझे पता बहुत कीचड़ होने वाली है। उसके बाद फाइनली हम करेंगे इसका लीक टेस्ट, पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद इसका सम चेक करेंगे कि सम कैसे काम करेगा, क्या चीज़ें रहने वाली इसमें, पाइप की अरेंजमेंट करेंगे ये पाइप कैसे लगाना है, पाइप के बाद देन फिर से छोड़ेंगे और फिर हम इसमें करेंगे साइकिल। अब इस टैंक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको अपडेट दूंगा कि कैसे मैंने टैंक भरा है, क्या लीक हुआ है नहीं, प्लस साइकिल करने की कैसे कैसे क्या क्या वजह है और कैसे कैसे हम टैंक को साइकिल कर सकते हो, साइकिलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, साइकिल टैंक होता क्या है और ईजिएस्ट वे भी है, मैं चाहूँगा कि आपको सारे बताऊँ। प्लस इस टैंक को आज का फिल्टर भी क्लीन कर देंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा क्लाउडीनेस को हट जाए, और जितनी भी बड़ी शार्क है इसमें ये सारी बड़ी शार्क साइकिल होने के बाद इस टैंक के अंदर, 8 feet टैंक के अंदर आ जाएगा। कौन से फिश रखूंगा, क्या चीज़ें होगी, ये सब आपको डे बाई डे जैसे मैं इसमें चीज़ें ऐड करता रहूँगा आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बाकी की वीडियो अब जब मैं टैंक भरूंगा तब कंटिन्यू करेंगे। बाय।